नमस्कार माय यूटूब फैमिली आपका स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल कुकिंग विद सुमन में जहां मैं आपके साथ अपनी कुकिंग एक्सपीरियंस और नई नई रेसिपी लेकर आती हूं तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूं जो है क्रिस्पी दाल राइस खट्टा बड़ा जो खाने में क्रिस्पी और टेस्टी होने वाला है उससे पहले मैंने अपने चैनल पर अंगूर की चटनी की रेसिपी अपलोड कर दी है इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारी अंगूर की चटनी की रेसिपी भी जरूर देखें। तो सबसे पहले एक बाउल चावल आधा बाउल चने की दाल आधा बाउल उड़द की दाल लेंगे अब एक कढ़ाई लेंगे कढ़ाई गर्म होने पर इन तीनों को हम हल्का रोस्ट कर लेंगे इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक रोस्ट करना है ये अच्छे से रोस्ट हो गया है अब इन तीनों को हल्का ठंडा होने देंगे हल्का ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे इसे हमें बिल्कुल पाउडर की तरह पीसना है अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे अब इनमें एक कटोरी दही डालेंगे इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का डो तैयार करेंगे और इसे ढक कर रख देंगे इसे हमें छह से सात घंटे तक ढककर रखना my nah, head इसके लिए जो मसाले चाहिए वो है हरी मिर्च और लहसुन और अदरक का पेस्ट आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर आधी चम्मच अजवाइन साबुदानी दानों को मैंने कस कर लिया है स्वाद अनुसार नमक आधी चम्मच हल्दी पाउडर आधी चम्मच से कम ब्लैक सॉल्ट आधी चम्मच धनिया पाउडर आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर थोड़ी से व्हाइट तिल और कटा हुआ हरा धनिया और मेथी थोड़ी सी ही अब बारी आती है डालने वाले मसालों की अजवाइन कर्ज की हुई दानी काली मिर्च पाउडर हल्दी नमक लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर काला नमक हरा धनिया हरी मेथी हरी मेथी को काट कर डालना है इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसमें तिल और हिंग डालेंगे अब इसमें आधी बड़ी चम्मच चम्मचल डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है अब एक बाउल में साफ सुथरा सूती कपड़ा इस तरह से रखेंगे कपड़े को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया था फिर इस पर दाल के बड़ों को टिक्की की तरह हाथ से फैला लेंगे और एक एक करके उसे ऑयल में डालेंगे और फ्राई करेंगे आपको बड़े बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि बड़े बनाते टाइम आप कपड़े को बार बार हल्का गीला करना होगा बाकी के बैटर से भी इसी तरह से बड़े बना लेंगे इन्हें फ्राई करने के बाद प्लेट में निकाल लेंगे आपको इन्हें गैस की मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना होगा बस आपको बड़ों को तेल में डालते हुए ज्यादा सावधानी बरतनी है अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो तेल भी उछल सकता है देखिए गर्मा गर्म बड़े तैयार है आप इसे हरे धनिया की चटनी या फिर मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं यकीन मानिए ये आपको बहुत पसंद आने वाले हैं आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें आपको हमारे चैनल पर इस तरह की खास रेसिपी मिलती रहेगी कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ धन्यवाद जय श्री राम